ये अपना LG का है इन्वर्टर मॉडल, इसके अंदर इशू है, इसका मैकेनिज्म ख़राब हो गया है। हम लोग इसके अंदर हैप्पी डाल के चले गए थे, इसको खोल के मैंने रिप्लेस हुआ। सबसे पहले हमने इसको पेज खोल लिया, ये इसका नट है, ये पहले ये खुलेगा, हम इसको लगा नहीं है। और ये इसके पहले पेज खुलेंगे, कवर बाहर आ जाएगा, देन उसको हम इसको हैमर से हिट करेंगे, देन ये ओपन हो जाएगा। इसको से पसार से ओपन हो चुका है, ये ओपन हो गया क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी केमिकल डाल के चले गए थे। वाई पहले से कवर खोला, मैंने इसको ओपन कर लिया, अभी टब हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसके नीचे स्क्रू होते हैं, वो स्क्रू ओपन करेंगे, देन इसको करेंगे, नट होते हैं नट ओपन करेंगे नीचे के चार। उससे पहले हम, ये वार्शल है, इस वार्शल को हमेशा संभाल के रखेंगे, ये वार्शल नहीं रखेगी लगेगी तो सेटिंग नहीं बनेगी। अब मशीन को हम लोग डाउन कर लेंगे, तो इसको ओपन करेंगे नीचे का नट। ये पहले ये इसके पहले इसके चार नट हैं, ये खुलेंगे, देन इसके बाद मैकेनिज्म खुलेगा। अभी आप देख सकते हैं इसके ये पेच खुलने शुरू हो गए हैं, चार पेच हमें अंदर के भी खोलने हैं इसके, तभी ये ओपन हो पाएगा। ये पेच एक पेच यहाँ पे था तो ओपन हो गया, अब ये दो ऊपर के रह गए नीचे के, दो ओपन हो चुके। चारों पेज जब खुल जाएंगे तो ये सीधा बाहर आ जाएगा। अभी इसके चारों स्क्रू में ओपन कर दिए हैं, हम इसको हल्का सा पुल करेंगे, ये बाहर आ जाएगा। हम इसको दूसरे को रिप्लेस करेंगे, उससे पहले इसको अंदर से क्लीन कर लेंगे। सर इसका लॉक है, ये कट है, हमने इसके इस साइड में फंसाना है इसको, ये चीज़ हमेशा याद रखना। बस गया, हम दो लोग दो जो उसके नट हैं उनको तिरछे में लगाएंगे हमेशा। ये अपना मैकेनिज्म इसके अंदर फिट हो चुका है, इसके अंदर ये एक लॉक होता है, इसको निकालेंगे हम। लोहे वाली साइड हमेशा ऊपर रहेगी, ये नीचे सेट हो गया, ठीक है। ये टब हमने सारा रस्ट क्लीन कर दिया, अब तो क्लीन है, अब इसके अंदर फिट करेंगे। टब अपना लग गया है, अब हम लोग वार्शल लगाएंगे और नट लगाएंगे इसका। वार्शल 100% लगानी है, मैंडेटरी है ये, देन उसके बाद नट। नट की ये जो फ्लैट साइड है ये नीचे रहेगी, हल्की सी ऊपरी वाली साइड ऊपर रहेगी। इसको हम लोग हाथ से जितना इजीली टाइट हो सकेगा पहले वो करेंगे, टाइट हो गया तो हम लोग इसके अंदर गोटी फंसा के अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। मैं पहले टाइट कर लेता हूँ, देन आई कंटिन्यू करता हूँ। हमने इसकी रिप्लेस मैकेनिज्म भी रिप्लेस कर दिया इसका, मशीन को स्पिन मोड में, और ये यहाँ से ड्रेन मोटर भी परफेक्ट वर्क कर रही है। एक बार मैं इसको प्रॉपर हम लोग पैक कर रहे थे, देन उसके बाद लोड डाल के भी एक बार चेक कर लेते हैं। करेक्शन कर दिया हम इसको, हो वॉश पे लगाएंगे। वाटर लेवल हम लोग सेलेक्ट करेंगे मीडियम, मशीन को करेंगे स्टार्ट।
आप देख सकते हैं मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया। एक बार मशीन में पानी फिल हो जाए प्रॉपर पूरा, देन मैं कंटिन्यू करता हूँ। मशीन अपनी अब परफेक्टली वॉश कर रही है, वॉशिंग में कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और हम इसको एक बार स्पिन मोड पे डाल के भी चेक कर लेते हैं, देन कस्टमर की हैंडल करते हैं। यहाँ पे हमने इसको स्पिन मोड में लगाया, प्रॉपर मशीन पानी ड्रेन करना शुरू कर दिया मशीन में, इसके अंदर पानी प्रॉपर पूरा निकल चुका है। मशीन ने स्पिन करना स्टार्ट कर दिया है, स्पिन कर रही है मशीन अपनी परफेक्टली वर्क कर रही है। हम कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे ताकि वो इसको चला के अपने हिसाब से टेस्ट कर सके। स्पिन भी ओके है, वॉश भी ओके है। ये इसके दो पार्ट है जो हमने रिप्लेस किए हैं, क्लच असेंबली और ड्रेन मोड। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।